हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में कि एडी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उन कंपोनेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में दो चीजें बताई, एक तो बताया एडी दो वेरिएबल से मिलकर बनाए हैं, दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बनाए हैं, पहला है कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात बताई, इस चैप्टर के अंदर मुझे जितने भी वेरिएबल्स डिस्कस करने हैं सारे एस्टिमेटेड फिगर्स पर ही वैल्यूड होंगी। मतलब यहां बात करनी है मुझे एक्स एंटी वेरिएबल्स की, पिछले टॉपिक में मैंने बात की एक्स पोस्ट वेरिएबल की। पिछला टॉपिक मतलब जो मेरा टॉपिक निकल के गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला। मुझे इस लेक्चर में एग्रीगेट डिमांड का जो पहला कॉम्पोनेंट है कंजम्पशन, इसके बारे में बात करनी है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मैंने आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक में बताई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड और डिमांड बाई दी हाउस होल्ड आउट ऑफ इट्स इनकम। हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना खर्चा कर रहे हैं वो कंजम्पशन है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मुझे वो कंजम्पशन एस्टिमेटेड अमाउंट पर कंसिडर करना है, तो यहां पर डेफिनेशन रहेगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड बाई इंडिविजुअल्स, के इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना पार्ट स्पेंड करेंगे आने वाले समय में, उसे बोलेंगे कंजम्पशन। अब आगे बात है कंजम्पशन फंक्शन की। हेडिंग देखोगे आप लोग तो मुझे एक हेडिंग है कंजम्पशन फंक्शन, दूसरी है कंजम्पशन शेड्यूल या फिर स्केड्यूल, और तीसरी है कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन स्केड्यूल और कंजम्पशन कर्व, इन तीन डेफिनेशन के बारे में मुझे बात करनी है। कंजम्पशन की डेफिनेशन तो हो गई, हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्च करेंगे वो कंजम्पशन है। अब इस तरह के रिलेशन को यदि फंक्शन या फिर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें उसे नाम देंगे कंजम्पशन फंक्शन का। इसी रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें नाम देंगे कंजम्पशन स्केड्यूल का, और ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करें तब नाम आएगा कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन फंक्शन कहता है इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और क्या फंक्शनल रिलेशन है? फंक्शनल रिलेशन है इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि कंजम्पशन में से कुछ पार्ट ऐसा है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ। पार्ट ऑफ कंजम्पशन दैट हैज नो रिलेशन और इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। एक ऐसा पार्ट जिसका कंजम्पशन, जिस पार्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, डिनोट करेंगे सी बार्स। जबकि आगे कहता है एक ऐसा पार्ट कंजम्पशन का जिसका रिलेशन है डायरेक्ट इनकम के साथ। किस तरह से डायरेक्ट? इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो वो खर्चा भी कम होगा, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड कंजम्पशन, और जिसे डिनोट करेंगे स्मॉल सी और कैपिटल वाई से, जिसे डिनोट करेंगे सी वाई से। तो सर मैंने जो कंजम्पशन है ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कंजम्पशन का मतलब था ऐसा इनकम का पार्ट जो कस्टमर खर्च करेगा आने वाले समय में, जिसे डिवाइड किया दो पार्ट में ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एक ऐसा पार्ट चाहे कस्टमर की इनकम हो या नहीं हो तब भी वो खर्च करेगा, खर्च कहां से करेगा? पास्ट इनकम में से। और एक ऐसा पार्ट जो इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेट करता है, इस पार्ट को नाम दिया गया इंड्यूस्ड, सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन का, डिनोट करेंगे सी बार से, और इस पार्ट को नाम दिया इंड्यूस्ड कंजम्पशन का, डिनोट करेंगे स्मॉल सी कैपिटल वाई, या फिर इस पार्ट को डिनोट कर सकते हैं स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वाई से। क्या डिफरेंस रहेगा आगे बात करने वाले। तो फाइनली कंजम्पशन में मेरा एक कंक्लूजन निकल के आया कि कंजम्पशन के दो पार्ट हैं, एक तो है ऑटोनोमस, दूसरा है इंड्यूस्ड। तो मैं कंजम्पशन फंक्शन को किसी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कंजम्पशन फंक्शन को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस फॉर्म में कि कंजम्पशन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जहां मेरा सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, वाई है इनकम, और जो स्मॉल सी है इसे बोला गया है एमपीसी। एमपीसी के बारे में आगे डिस्कशन और करने वाले हैं, अभी तो केवल याद रखें स्मॉल सी जो है उसे बोला गया एमपीसी, या स्मॉल सी का मतलब है कस्टमर की जो इनकम चेंज होगी उस चेंज इनकम में से कितना पार्ट खर्च होने वाला है। स्मॉल सी का मतलब इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इनकम का कितना पार्ट खर्च होगा। जैसे इनकम यदि सपोज 100 रुपए बढ़ी तो 100 रुपए का कस्टमर 80% पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, तो यहां पर एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.8। फर्दर इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं।
एमपीसी की वैल्यू अपन इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसे वी भी कहते हैं। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम, कि हम जितनी इनकम चेंज होगी उसमें से कितना पार्ट खर्च करेंगे, मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये मैंने बात की बच्चों कंजम्पशन फंक्शन की, इक्वेशन आ गई सी इक्वल्स टू सी बार प्लस डी वाई या फिर सी वाई। अब बात है कंजम्पशन स्केड्यूल की, तो सिंपल है, टेबुलर रिलेशन जो भी है कंजम्पशन और इनकम के बीच में वो है कंजम्पशन स्केड्यूल, और जो रिलेशन है ग्राफिकल फॉर्म में वो है कंजम्पशन कर्व। आगे कहता है अब इसको कर्व और स्केड्यूल बनाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल की बात की, और ये भी बात याद रखनी है इस चैप्टर में, चैप्टर को सिंपल बनाने के लिए इजिएस्ट फॉर्म में हमें समझ में आ जाए, इसीलिए यहां पर कंजम्पशन जब भी राइज होगा, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट या जितने भी कंपोनेंट राइज होंगे, इनकम राइज होगी, सेविंग्स राइज होगी, राइज होंगे हमेशा कांस्टेंट रेट से। ये इस चैप्टर को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की अजम्पशन ली गई है। अब मैंने यहां पर पहला कॉलम लिखा है वाई, एक एक धीरे धीरे करके टॉपिक के अंदर चलते जाए। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है वाई, वाई एक लेवल पर है जीरो, फिर इनकम बढ़ती जा रही है 100-100 रुपए से हर बार। ये सारे फिगर है रुपीज में, ये सारे ही फिगर रुपीज में, इनकम पहले है जीरो, फिर इनकम बार बार 100-100 रुपए से बढ़ती जा रही है। अगले कॉलम में मैंने लिखा है सी बार, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, इनकम का वह सॉरी कंजम्पशन का वह पार्ट जिसका इनकम के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अगले कॉलम में मैंने लिखा है कि कितना, बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। क्या रिलेशन है चेंज इन कंजम्पशन का चेंज इन इनकम के साथ, और लास्ट वाले कॉलम में मैंने लिखा है टोटल कंजम्पशन कितना है। इस सी की वैल्यू कैसे निकाली है, इस सी की वैल्यू निकाली गई है इन दोनों को एड ऑन करने के बाद, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन है क्या, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई, यही कंजम्पशन फंक्शन है, या सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाई वाई। अब जब इनकम जीरो थी तब सी बार की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी, क्योंकि सी बार तो इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इनकम के साथ, तो मैंने सी बार की वैल्यू अज्यूम कर ली 50, और यदि इनकम है ही नहीं तो कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मेरे जो कंजम्पशन की वैल्यू आई है वो आएगी 50। अब आगे चले, इनकम बढ़ी अब 100 रुपए से, इनकम हो गई 0 से 100, मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू सेम वही है, ये चेंज नहीं होगी, जितना जीरो लेवल पे था अब भी वही रहेगा 50। अब मेरी जो इनकम बढ़ी 100 रुपए से, इसमें से कुछ पार्ट कंज्यूमर ने कर दिया खर्च, सीधी सी बात है, अगर कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी इनकम को अपनी इच्छा के अनुसार खर्चा करना चाहेगा, तो जैसे इनकम हुई 0 से 100 इकोनॉमी में, एडिशनल इनकम में से 75% पार्ट खर्च हो गया, 75 रुपए हो गए खर्च। अब 75 रुपए मेरा चेंज इन कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50, मेरा टोटल कंजम्पशन हो गया 125। अब इनकम 100 से हो गई 200, तो एडिशनल इनकम में से 75 रुपए खर्च और हुआ, मैंने ऊपर ही आपको अजम्पशन बता दी थी, जो भी वेरिएबल चेंज होगा हमेशा ही कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, तो मेरी इनकम वापस बढ़ी 100 से, कंजम्पशन एडिशनल इंक्रीज और हुआ 75 से, 75 से यहां इंक्रीज हुआ था, 75 से पहले इंक्रीज हुआ था, टोटल हो गया 150। या फिर ऐसे समझ लें कि मेरा जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0.75 है, 0.75 का मतलब इकोनॉमी में यदि 1 रुपए इनकम चेंज होगी तब उसका 75 पैसा हो जाएगा खर्च और 25 पैसा हो जाएगा सेव, तो मेरी इनकम जैसे ही हुई 0 से 200 इसका 75% पार्ट हो गया खर्च, 0 से जैसे हुई 200 75% पार्ट खर्च, 150 खर्च, तो 150 मेरा चेंज इन कंजम्पशन, 50 ऑटोनोमस कंजम्पशन, टोटल आ गया 200। फिर ऐसे ही वापस इनकम और बढ़ी 100 रुपए से, 75 रुपए एडिशनल और खर्चा हो गया, अब मेरा चेंज इन कंजम्पशन हो गया 225 चेंज इन कंजम्पशन, 50 ऑटोनोमस, टोटल हो गया 275। बात याद रखनी है जो चेंज इन जो ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला पार्ट है ये केवल एक ही बार इनकर हुआ है, बार बार इनकर नहीं होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू है कांस्टेंट 50 रुपए, जबकि चेंज इन कंजम्पशन की वैल्यू इनकम के साथ साथ चेंज होती जाएगी, और जब इनकम इकोनॉमी में थी 400 रुपए की
₹400 का 75% पार्ट जो आएगा चेंज इन कंजम्पशन के फॉर्म में और ₹50 ऑटोनोमस कंजम्पशन के फॉर्म में। तो इसका मतलब मेरा कंजम्पशन की फिगर आ गई 50, 125, 200, 275 और 350। अब मैंने इसी को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट की इनकम और वाई एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट किया सी बार, फिर अपना चेंज इन कंजम्पशन या फिर इंड्यूस्ड कंजम्पशन और टोटल कंजम्पशन। जब इकोनॉमी में इनकम थी जीरो तब भी सी बार 50 है, 100 रुपए इनकम है तब भी सी बार 50 है। इसका मतलब जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो हमेशा रहेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो मेरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, जब इनकम थी जीरो इंड्यूस्ड कंजम्पशन था जीरो, इनकम बढ़ी इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ने लगा और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा, इसीलिए ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है मेरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ये मेरा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी वाई। अब बात करूं मेरी कुल कंजम्पशन की, कुल कंजम्पशन निकालना है तो इन दोनों को एड ऑन करना होगा, इन दोनों को मुझे प्लस करना होगा। तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम थी वहां पर मेरी कुल कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल होगा। इसी वजह से जो मेरा कंजम्पशन कर्व है ये ड्राइव होता है वाई एक्सिस से। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ता हुआ जाएगा, इसीलिए कंजम्पशन जो कर्व है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन दोनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद आएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कंजम्पशन कर्व और ऑटो इंड्यूस्ड कंजम्पशन कर्व, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा पैरेलल ड्यू टू दी ऑटोनोमस कंजम्पशन। बच्चों ये बात थी कंजम्पशन कर्व कैसे बनेगा। अगर एग्जाम में कंजम्पशन कर्व आता है तो आपको केवल कंजम्पशन कर्व बनाना है, सी और वाई वाला रिलेशन बताना है केवल, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन नहीं बनाना। एग्जाम में यदि आया कंजम्पशन कर्व तो आप केवल ये जो ग्रे लाइन है यही बना दोगे और कोई दूसरी लाइन नहीं बनानी है, केवल लाइन बनानी यही वाली और कोई दूसरा लाइन नहीं बनाओ। यही बात रिलेशन की आ जाती है। तो कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि दोनों एक ही रेट से बढ़ते जाएंगे लेकिन कंजम्पशन हमेशा ही इंड्यूस्ड कंजम्पशन ज्यादा होगा और पैरेलल होगा। एग्जाम में यदि केवल कंजम्पशन कर्व आता है तो आपको कुछ इस तरह से कंजम्पशन कर्व बनाना होगा, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे केवल कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो वैल्यू आई है, स्टार्टिंग में जो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हुआ है वाई एक्सिस से, तो ये जो डिफरेंस आया है ओरिजिन से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन कर्व, इसे बोला गया है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहां पर अगर इस तरह ग्राफ आता है एग्जाम में और पूछता है ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, तो जिस पॉइंट से ये कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हुआ है यही वैल्यू होगी ऑटोनोमस कंजम्पशन की। ये बात थी बच्चों ओवरऑल कंजम्पशन कर्व के बारे में। मैंने आज बात की है कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कर्व और कंजम्पशन स्केड्यूल की। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आ चुका है। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।